हाय एवरीवन, दिस इज मी सुखप्रीत एंड वेलकम यू ऑल टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि आप सीसी क्रीम से किस तरह से अपना मेकअप कर सकते हैं। मैं यहाँ लैक्मे की 9 to 5 सीसी क्रीम अप्लाई करने वाली हूँ मेरे समर स्पेशल इस मेकअप लुक ट्यूटोरियल में, और मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपको समर्स में कौन से प्रोडक्ट यूज करने चाहिए। चलिए हम अपना फेस मेकअप स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको अप्लाई करना है मॉइस्चराइजर। अगर ये समर्स भी हैं तो भी आपको फेस के ऊपर मॉइस्चराइजर अप्लाई करना ही है, और मैंने यहाँ पे ऑलरेडी मॉइस्चराइजर अप्लाई किया हुआ है। और प्राइमर के लिए मैं अप्लाई कर रही हूँ मेरा क्रोनोकरे का एंटी पल्यूट फेस स्प्रे, जो कि एज अ प्राइमर भी काम करता है फेस के ऊपर, और मैं इसको अच्छी तरह से मेरी स्किन के ऊपर डैब कर रही हूँ ताकि वो स्किन में पेनिट्रेट हो जाए। और मैं आज के मेकअप ट्यूटोरियल में, जैसे मैंने बताया, हम देखेंगे कि आप सीसी क्रीम के साथ मेकअप कैसे कर सकते हैं। यहाँ पे मेरे पास है लैक्मे की 9 to 5 सीसी क्रीम, जिसमें मेरा शेड है ब्रॉन्ज। मैं इसको फर्स्ट टाइम यूज कर रही हूँ, तो अगर आप इसका एक डिटेल्ड रिव्यू चाहते हैं तो प्लीज मुझे कमेंट करके बताइए, मैं इसके आपके लिए एक सेपरेट रिव्यू जरूर करूंगी। गर्मियों में फाउंडेशन की जगह आप एक सीसी क्रीम यूज करते हैं तो वो ज्यादा बेटर ऑप्शन होता है। सो बेसिकली सीसी क्रीम का मतलब होता है कलर करेक्टर क्रीम, और जैसे कि एक बीबी क्रीम होती है और एक सीसी क्रीम। बीबी क्रीम बेसिकली एक टिंटेड क्रीम्स होती हैं जिसमें फाउंडेशन बेस होता है, लेकिन सीसी क्रीम जो होती हैं ये स्पेसिफिकली होती हैं अगर आपके फेस के ऊपर पिंपल्स वगैरह हैं तो ये उनको हाइड कर देंगी, ब्लेमिशेस वगैरह हैं तो उनको ज्यादा अच्छे से हाइड करेंगी। तो इसलिए सीसी क्रीम, अगर आपकी ऑयली स्किन है तो ये एक बेटर ऑप्शन हो सकता है। और मेरे पास जो शेड है यहाँ पे वो है शेड ब्रॉन्ज, और वो मेरी स्किन टोन के ऊपर अच्छी तरह से रहा है। इसमें आपको 4 डिफरेंट शेड्स मिल जाएंगे इस सीसी क्रीम में। एक एलमंड है, एक ब्रॉन्ज है, एक बेज है, एंड देर इज वन मोर कलर, आई डोंट रिमेम्बर द नेम। आप चेक कर सकते हैं, अगर आपका कलर बहुत ज्यादा फेयर है तो आपके ऊपर बेज कलर जाएगा, और अगर आपका स्किन टोन मेरे स्किन टोन के जैसा है तो ब्रॉन्ज आपको सूट कर सकता है, और या एलमंड भी सूट कर सकता है। अगर आपका कलर हल्का सा सांवला है तो एलमंड आपके ऊपर जाएगा। तो मैंने यहाँ पे डैब डैब करके अप्लाई किया है सीसी क्रीम को पूरी अपने फेस के ऊपर, और अब मैं उसको स्प्रेड कर रही हूँ अपने फिंगर्स के साथ ही, क्योंकि एवरीडे के मेकअप में आप एक ब्यूटी ब्लेंडर वगैरह यूज नहीं कर सकते, और सीसी क्रीम एक एवरीडे मेकअप का ही पार्ट है। आप इसको समर्स में अपने फाउंडेशन को एक सीसी क्रीम के साथ रिप्लेस कर सकते हैं, ये ज्यादा बेटर ऑप्शन रहेगा, क्योंकि समर्स में मेकअप जो है बहुत जल्दी मेल्ट होता है और फाउंडेशन जो है वो लंबे समय तक टिकता नहीं। अब नेक्स्ट स्टेप, मैं अपने लैक्मे परफेक्ट रेडियस कॉम्पैक्ट के साथ अपनी इस सीसी क्रीम को सेट कर रही हूँ, एंड आप देख सकते हैं कवरेज इसकी मीडियम है, कुछ बहुत ज्यादा ग्रेट कवरेज नहीं है, लेकिन एवरीडे वेयर के लिए ये बहुत अच्छा है। अगर आप कॉलेज गोइंग या ऑफिस गोइंग गर्ल हो और आपको हैवी मेकअप नहीं करना तो आप सीसी क्रीम यूज कर सकते हैं। एंड नाउ मैं अपने ब्राउज को फिल कर रही हूँ मेरे मिस क्लेयर वाटरप्रूफ आईब्रो पेंसिल में, जिसमें मेरा शेड है डार्क ब्राउन। ब्राउज को मैं हमेशा फिल करती हूँ क्योंकि ये बहुत जरूरी है। समर मेकअप है, विंटर मेकअप है, डे मेकअप है, पार्टी मेकअप है, आईब्राउज को फिल करना बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अब मैं क्रिएट करने वाली हूँ मेरा ब्यूटीफुल सा आई शेडो लुक, जो कि समर्स के लिए परफेक्ट है। मैंने यहाँ पे लिया है मेरे पॉपफिल के आई शेडो पैलेट में से मैट ऑरेंज कलर, और इसको मैंने अपने वेगा के आई शेडो ब्रश के साथ अपने आईलिड के आउटर कॉर्नर में प्लेस किया, और फिर मैं इसको आउटवर्ड से इनवर्ड डायरेक्शन में ब्लेंड कर रही हूँ। मुझे इसको आउटर कॉर्नर में कंसंट्रेट रखना। अब मैं बस बैक एंड फोर्थ मोशन के साथ कलर को हल्का सा अंदर की तरफ ब्लेंड कर रही हूँ। बहुत ज्यादा मुझे उसको अंदर की तरफ डार्क नहीं करना, आपको आउटर कॉर्नर पे कलर को डार्क रखना है और उसको हल्का सा अंदर की तरफ मूव करना है, एंड दैट्स इट। ये आई मेकअप समर्स के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। यहाँ पे मैं ले रही हूँ मैट येलो कलर। स्प्रिंग और समर्स के सीजन में ऑरेंज, पिंक और येलो कलर के आई मेकअप ट्यूटोरियल बहुत अच्छे लगते हैं, आई मेकअप लुक्स बहुत अच्छी लगती हैं। तो आप ये डिफरेंट टाइप के कलर आई शेडो ट्राई कर सकते हैं। आप देख सकते हैं मैंने येलो कलर को सिर्फ अपने सेंटर पार्ट ऑफ द लिड पे अप्लाई किया है, सिर्फ 2 कलर ही अप्लाई किए हैं, और इतने में ही आई शेडो कितना ब्यूटिफुल बन के आया है। मैं हल्का सा मैट पिंक और ब्राउन कलर लेके उनको अपनी क्रीज लाइन के ऊपर अप्लाई कर रही हूँ, एक स्लाइट सा कलर डायमेंशन देने के लिए, ताकि एक हल्का सा पिंकिश टोन भी आए मेरे आई शेडो में। और मुझे ये आई शेडो लुक बहुत ही पसंद आया, आई होप आप लोगों को भी इसको एंजॉय कर रहे हैं। लाइनर के लिए मैं अप्लाई करने वाली हूँ मेरा लैक्मे का इंस्टा लाइनर। लिक्विड लाइनर मैं यूज कर रही हूँ क्योंकि मुझे बहुत बड़ा थिक लाइन नहीं चाहिए, सिंपल एवरेज सा लाइनर लगा रही हूँ। तो आप इस मेकअप लुक को एवरीडे में भी कर सकते हैं। एवरीडे के लुक में बहुत ज्यादा बड़े बड़े विंग आईलाइनर पसंद अच्छे नहीं लगते। मुझे वैसे भी विंग आईलाइनर बहुत ज्यादा ड्रामेटिक लगते हैं, और मुझे लगता है कि
वो बहुत ज़्यादा एग्जेजरेटेड हैं। अगर आप एक सिंपल और सोबर सा लुक चाहते हैं तो हमेशा एक बहुत ही थिन लाइन का लाइनर ड्रॉ करें, वो काफ़ी अट्रैक्टिव लगता है। अब मैं अपने आईलैश कर्लर के साथ अपने लैशेस को कर्ल कर रही हूँ और उसके बाद मैं इसके ऊपर अप्लाई करूंगी मस्कारा। एंड अगेन आई एम ऑब्सेस्ड विद माई दिस आई शेडो मेकअप। मस्कारा के लिए मैंने लिया है यहाँ पे मेबलिन का हाइपर कर्ल मस्कारा। ये कुछ 350 रुपीज का आता है और ये वाटरप्रूफ मस्कारा नहीं है। एंड आपको पता होना चाहिए कि डेली वेयर में आपको कभी भी वाटरप्रूफ मस्कारा यूज नहीं करना है, इससे लैशेस फॉल होती हैं। इस आई मेकअप लुक को और अच्छा लुक देने के लिए आप एक ब्लू आई पेंसिल या ब्लू काजल का यूज कर सकते हैं अपनी लोअर वाटर लाइन के ऊपर। उससे आपका आई मेकअप और ज्यादा कॉम्प्लीमेंटिंग पॉपअप होके आएगा। आप इस आई मेकअप को किसी रिसेप्शन पार्टी में या एंगेजमेंट पार्टी में भी कर सकते हैं बिकॉज कलर्स आर सो ब्राइट। अगर आपने एक ऑरेंज या ब्लू कलर की ड्रेस पहनी हुई है तो उसके साथ आप ऑरेंज और येलो कलर का आई मेकअप और काजल की जगह पे आप एक ब्लू कलर का काजल लगाएंगे तो वो बहुत ही अच्छा दिखेगा। मैंने अपने एलेटिन का आई ड्रामा काजल अप्लाई किया था लेकिन ब्लैक मुझे उतना ज्यादा अच्छा नहीं लग रहा था, तो उसके ऊपर मैंने अपने बॉन्जोर का ये इलेक्ट्रिक ब्लू ग्लिटर आईलाइनर जो है एज अ काजल जो है वो अप्लाई किया है एंड आई एम लाइकिंग दिस मोर नाउ। ब्लशर के लिए मैंने लिया है मेरा मिस क्लेयर का ब्लशर इन द शेड 33। आपने मेरा मिस क्लेयर का ब्यूटी हॉल और मिस क्लेयर लिप क्रीम का अगर रिव्यू वीडियो नहीं देखा तो आपको देखना चाहिए। ये जो ब्लशर है इसका प्राइस है जस्ट 140 रुपीज एंड दिस इज सुपर अफोर्डेबल फॉर बिगनर्स। इफ यू आर अ कॉलेज गोइंग गर्ल यू शुड हैव दिस ब्लशर क्योंकि इस ब्लशर में बहुत सारे कलर ऑप्शन हैं, सो यू आर गोइंग टू लव इट। और इसकी पिगमेंटेशन बहुत ही अच्छी है, हल्का सा अप्लाई करने के बाद बहुत ही ब्यूटीफुल सा कलर आता है। मैं अपने लुक को फिनिश कर रही हूँ। मैं अपने लिप्स को लाइन कर रही हूँ मेरी एडियस प्रो के लिप लाइनर पेंसिल जिसमें मैं शेड यूज कर रही हूँ वो है सिंफुल ऑरेंज। आप समर मेकअप करें विंटर मेकअप करें हमेशा लिप्स को लाइन करें ताकि आपकी जो लिपस्टिक है वो स्मज ना हो, ब्लीड ना करे और लॉन्ग लास्टिंग रहे। और लिपस्टिक के लिए मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ मेरी काइली कॉस्मेटिक्स से जो लिपस्टिक है इसका शेड नंबर है 22। आपको इसका ड्यूप शायद इंडियन मार्केट में किसी और लिपस्टिक्स में इजीली अवेलेबल मिल जाएगा। ये कलर जो है ये है बर्नट ऑरेंज कलर। ओवरऑल हमारा लैक्मे सीसी क्रीम के साथ जो हमने मेकअप किया है वो रेडी है। अब मुझे अपना जो ब्लशर है उसमें ऑरेंज टिंट कम लग रहा था तो मैं अपने लिपस्टिक को एज अ ब्लशर भी यूज़ कर रही हूँ अपने चीक्स के ऊपर एक हल्का सा एक्स्ट्रा ऑरेंज टिंट लाने के लिए। एंड आप देख सकते हैं कि मैंने आज सीसी क्रीम के साथ मेकअप किया है, स्टिल ये बहुत ही लाइट एंड नेचुरल लग रहा है। तो अगर आप समर्स का मेकअप करना चाहते हैं तो सबसे फर्स्ट स्टेप आप यही करें कि आप अपने फाउंडेशन को एक अच्छी सीसी क्रीम या एक अच्छी बीबी क्रीम के साथ रिप्लेस कर दें। तो ये आप देख सकते हैं हमारा समर स्पेशल लैक्मे सीसी क्रीम के साथ किया गया मेकअप लुक ट्यूटोरियल रेडी है। आपकी कोई भी क्वेरीज हैं उसके लिए आप मुझे नीचे कमेंट कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।